हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पुष्प की संरचना, जिसका अध्ययन हम 11th क्लास में भी किया था, लेकिन उन्हें एक फ्लोर की संरचना के बारे में समझ लेते हैं जिससे आपको समस्या नहीं आए। पुष्प की संरचना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले आपको पुष्प की संरचना को पूरी तरह समझना होगा। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित पैरो है। रूपांतरित पैरो, रूपांतरित पैरो है जो लैंगिक जनन के लिए अनुकूलित होते हैं। यानी पैरो क्या होता है? पौधे का वायु भाग है। कि जो पौधे का वायु भाग होता है वो क्या होता है? पैरो होता है। अर्थात यह एक रूपांतरित पैरो होता है जो लैंगिक जनन के लिए क्या होता है? अनुकूलित। यानी पौधे का वायु भाग जो वायु के अंदर है उसे पैरो बोलते हैं। और इसी पैरो के अंदर कि तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, सभी पैरों में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो हम पुष्प की संरचना की बात करेंगे कि एक पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। एक पुष्प की संरचना में सबसे पहले बात करते हैं, यह है पुष्प रंध्र। पुष्प रंध्र क्या है? पुष्प का ये व्रंथ नुमा भाग जो तने तने पर जुड़ता है इसे पुष्प रंध्र कहा जाता है। यानी व्रंथ नुमा भाग होता है उसका एक प्रकार से, जिसे हम बोलते हैं डंठल नुमा भाग है जो तने से जुड़ेगा इसे पुष्प रंध्र कहा जाता है। जिनमें ये पाया जाता है उन्हें कहा जाता है शैवरंध्र, और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें कहा जाता है एवरंध्र। इसके बाद में पुष्प रंध्र के ऊपर की ओर ये एक फुलाव भाग होता है जिसे कहा जाता है पुष्पासन। पुष्पासन क्या है? थैलेमस। थैलेमस पुष्पासन क्या होता है? हम बात करेंगे कि पुष्प रंध्र के ऊपर का फूला हुआ गुदेदार वह तने का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? पुष्पासन। तो ये पुष्पासन है। और इसी पुष्पासन के ऊपर यानी उसके अन्य चक्र होते हैं, भयदल, दल, उमंग, जायन, टिके होते हैं। तो ये वाला भाग पुष्पासन है। इसके बाद में आगे का पार्ट आता है जिसे बोलेंगे भयदल, कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, सबसे बाहर का चक्र है। बाहरी चक्र है, प्रथम चक्र है जो हरे रंग का होता है, जो हरे रंग का होता है। अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण भी करता है जिसे भयदल बोलते हैं। यह सबसे बाहरी का प्रथम चक्र है। इसके बाद में दूसरा चक्र है
वो दल होता है, दूसरा चक्र होता है वो क्या होता है दल। ये दल है, ये दल है कोरोला। कोरोला क्या है? ये कोरोला है अर्थात ये रंगीन होता है, उसका दूसरा चक्र है जो बाह्य दल के अंदर की ओर होता है, ये रंगीन होते हैं। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे परागण क्रिया क्या होती है संपन्न होती है, जिससे बोलते हैं दल। सामूहिक रूप से इन्हें कहा जाता है दलपुंज बोलेंगे, इस सभी दलों को सामूहिक रूप से दलपुंज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से बाह्य दलों को भी सामूहिक रूप से बाह्य दलपुंज कहा जाता है। इसके बाद में नंबर तीन है पुमा हुआ, नंबर चार है जायन हुआ। तो सबसे पहले हम जायन की स्ट्रक्चर का डायग्राम भी बना लेते हैं। ये जायन है, ये जायन है और इसी के अंदर ये अंडक है और ये संरचना है, इसमें ये बीजांड है। ये संरचना है जिसे एंथर बोलेंगे, ये संरचना है जिसे एंथर अर्थात ये पुंकेसर है, इसको पुंकेसर बोलते हैं और इसमें संरचना इसको एंथर बोलते हैं। तो सबसे पहले उसका तीसरा भाग है जिसे बोलते हैं उमंग एंड्रोसियम, उमंग क्या है? यह उसका नर जननांग होता है, नर जननांग है जिसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। यह पुंकेसर की संरचना है, ये एक पुंकेसर की संरचना है और ये पुष्प का नर भाग है जिसमें तीन भाग होते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई उमंग की पुंकेसर कहलाती है, तीन भाग होते हैं। नंबर एक पराकोष, पराकोष अर्थात जिसे बोलेंगे एंथर। नंबर दो योजी कनेक्टिव, नंबर तीन उतंतु फिलामेंट, और इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है पुंकेसर स्टैमेन। ये पुंकेसर है अर्थात यह पुमंग की एक इकाई है पुंकेसर, और इसी परागकोष के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है जिनमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो पुमंग पुष्प का नर जननांग है जिसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है पुंकेसर। उसके बाद में नंबर दो आता है जायन जिसे बोलेंगे गायनोसियम। इस जायन की संरचना में तीन भाग होते हैं, नंबर एक वर्तिकाग, वर्तिकाग स्टिग्मा, यह उसका ऊपर का भाग होता है, चौड़ा होता है, चिपचिपा होता है, जो पराग कणों को क्या करता है ग्रहण करता है, जिसे वर्तिकाग्र बोलेंगे। ये वर्तिका है टाइल अर्थात ये बीच वाला भाग, इसको वर्तिका बोलेंगे। व्रंथरुमा भाग है जिससे पराग कण के अंकुरण के समय इसी से पराग नलिका होकर गुजरती है, इसे वर्तिका के नाम से जानते हैं। नंबर तीन अंडाशय ओवरी, अंडाशय यह जायन का नीचे का फुला हुआ भाग है जिसे अंडाशय बोलते हैं, और इसी अंडाशय में एक प्रकार से अंडक होते हैं जिसके अंदर एक प्रकार से बीजांड पाए जाते हैं। ये बीजांड है अर्थात इसी के अंदर गुरु बीजाणु का क्या होता है निर्माण होता है, जिससे मादा युग्मक बनते हैं। वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय तीनों को सामूहिक रूप से स्त्री केसर बोलते हैं अर्थात
स्त्री केसर जायन का एक भाग है, जायन की इकाई है जिसे स्त्री केसर बोलेंगे, और ये पुष्पा मादा भाग है और ये नर भाग है। तो एक पुष्प की संरचना में चार चक्र होते हैं, नंबर एक भयदल, नंबर दो दल, नंबर तीन उमंग और नंबर चार यानी जायन। इन चारों चक्रों में भयदल और दल होते हैं जो सहायक अंग होते हैं, जबकि ये उमंग और जायन ये लैंगिक जनन के लिए आवश्यक अंग होते हैं। जो आप पढ़ने जा रहे हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा, तो ये उमंग और जायन होंगे जो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले एक आवश्यक अंग हैं। बाकी भयदल और जो दल हैं ये सहायक अंग होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होगा, और इसके लिए जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन होंगे, उमंग और जायन, वो अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।